रक्षाबंधन पर इन बहनों में खुशी से ज्यादा गम था। राजस्थान में राखी के दिन बहनों का छलका दर्द, भाई ने देश रक्षा के लिए करोड़ों बहनों की रक्षा। राजस्थान में जब रुंधले गले से इन बहनों ने कहा कि बीरा राखी तो बंधा ले, तो वहां मौजूद कोई भी शख्स अपने आंसू नहीं रोक पाया। सूरवीरों की धरती राजस्थान में रक्षाबंधन पर दिल को झकझोर देने वाली ऐसी तस्वीरें और वीडियो गांव-गांव धाड़ी-धाड़ी से सामने आए, खासकर उस अचल शेखावटी से जिसने देश को सबसे ज्यादा शहीद दिए। दरअसल आपको बता दें, सीकर जिले के श्री माधोपुर इलाके के कोटीडड़ी सिमराल गांव में सुशीला देवी के भाई सुरेश कुमार नटवाड़िया 3 अप्रैल 2015 में मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सुशीला हर साल शहीद भाई की प्रतिमा को राखी बांधती हैं। 12 अगस्त को भी सुशीला हर साल की तरह शहीद स्मारक स्थल पर पहुंची, भाई की प्रतिमा को राखी बांधी। वन इंडिया हिंदी से खास बातचीत में सुशीला देवी ने कहा कि भले ही उनके भाई आज इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए भाई अमर हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। इन्हें गर्व है कि इनके भाई सुरेश कुमार ने उन जैसे करोड़ों बहनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। राखी बांधने के बाद सुशीला का दर्द छलक पड़ा और ये भाई की प्रतिमा से लिपट कर रोने लगी। राजस्थान के चुरू जिले के गांव गांगू के रहने वाले राजेश फगेड़िया 28 जनवरी 2011 को सियाचिन ग्लेशियर में तैनाती के दौरान ऑपरेशन मेघदूत में शहीद हो गए। गांव गांगू के मुख्य मार्ग पर इनका शहीद स्मारक बना हुआ है। यहां हर साल रक्षाबंधन को इनकी बहन अंजू फगेड़िया पहुंचती हैं और शहीद भाई को राखी बांधती हैं। 12 अगस्त को शहीद भाई की प्रतिमा को राखी बांधते वक्त अंजू फगेड़िया के साथ साथ वहां मौजूद कोई भी शख्स आंसू नहीं रोक पाया। अंजू ने कहा कि उनको गर्व है कि उनके भाई ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए हैं। बता दें कि शहादत के 8 साल बाद राजस्थान सरकार गांव घांगू के सरकारी स्कूल का नाम शहीद राजेश फगेड़िया के नाम पर रखा गया। राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसिया इलाके का गांव खुदियाला राम कड़ोसारा 24 सितंबर 2017 को जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहीद हो गए थे। गांव में इनकी प्रतिमा लगी हुई है। गुरुवार को रक्षाबंधन पर एक फोटो वायरल हुई जिसमें एक बहन शहीद गणपत राम कड़वसारा की प्रतिमा को राखी बांध रही थी। इस तस्वीर को वेदांता बिड़ला ने लिंक्डइन पर शेयर करते हुए लिखा कि राजस्थान में लगी ये मूर्ति शहीद गणपत राम कदवासा की है, जो एक बहादुर सिपाही थे। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। शहीद भाई की प्रतिमा की कलाई पर राखी बांधते हुए रक्षा के सार का सम्मान करते हुए देखा जा सकता है। राजस्थान के जालौर जिले के गांव दाता के रहने वाले सुखराम बिश्नोई ने 19 साल की उम्र में भारतीय सेना ज्वाइन की थी। जम्मू कश्मीर में 30 मई 1996 को सुखराम बिश्नोई शहीद हो गए थे। गांव दाता में शहीद सुखराम बिश्नोई स्मारक बना हुआ है। रक्षाबंधन पर उनकी बहन शहीद स्मारक पहुँचती हैं और शहीद भाई की प्रतिमा को राखी बांधती हैं। बहनों को अपने भाई की शहादत पर गर्व है। वहीं गोकुलचंद यादव 13 अप्रैल 2016 को आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। ये मूल रूप से राजस्थान के सीकर जिले के गणेश्वर के पास गांव सलावली के रहने वाले थे। गांव में पंचायत भवन के पास शहीद गोकुलचंद की प्रतिमा लगी हुई है। गुरुवार को रक्षाबंधन पर उनकी बहन सुनीता और कविता पहुंची और भाई की प्रतिमा को राखी बांधी। दोनों बहनें हर साल नहरेड़ा से गणेश्वर पहुंचती हैं और उन्हें राखी बांधती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।